तो वैसा ही हुआ है कि अभिषेक एक टाइम पे वो जिसके लिए वो वापस भी आया था सपने सपोर्ट किया था क्योंकि uh, सबको लगा कि उसके साथ गलत हुआ है बट uh, mm, मतलब वही है कि ये जो डायनामिक्स हैं हमारे चेंज होते रहते हैं अभी आई फील कि इतना इतना टफ़ कंपटीशन है यार इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन जीतेगा है और आप कौन सा क्या yeah, पता है मैं ना 2014 का अपना एक इंटरव्यू देख रही थी uh, जहाँ पे मैंने बोला था कि मैं खुद को पहले एज एन एक्टर प्रूव करना चाहती हूँ उसके बाद ही मैं कोई रियलिटी शो करना चाहती हूँ फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक नेक्स्ट ईयर जून में मुझे टेन इयर्स हो जाएंगे और अभी मुझे लगता है कि जितना मैंने काम किया है जितना अप्रिसिएशन मिला है अभी भी है, ये तो नहीं लगता है कि मैं बहुत बड़ी या अच्छी एक्ट्रेस बन गई हूँ बट अब हाँ आई एम ओपन फॉर रियलिटी शोज़ झलक दिखला जाए इस वन बिकॉज मुझे डांसिंग बहुत पसंद है बट बिग बॉस इज़ समथिंग कि uh, पता है बिग बॉस को देखने का नज़रिया ओवर द ईयर्स मेरे लिए चेंज हुआ है क्योंकि तो पहले मुझे लगता था कि काम करना है एक्टिंग करनी है एक्टिंग करनी है ओवर द ईयर्स जब मैं लास्ट ईयर अपने गाँव गई थी मतलब अपने नानी के गाँव में गई थी उस जगह का नाम रोडू है आ, तो वहाँ पे गई और मैं ना मैंने वहाँ पे देखा कि रात को सब ना सब खाना खा के सब अपने अपने रूम्स में रज़ाई में क्विल्ट में बैठ के बिग बॉस देख रहे हैं तो हिमाचल में कहीं पर एक जगह है जहाँ पे लोग पूरा परिवार बैठ के कोई शो देख रहा है और उसके बाद उसको डिस्कस भी कर रहे हैं मैंने उतना आ, रीच किसी चीज़ का देखा नहीं है और जिस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं हम टेलीविजन शोज़ के लिए बोलते हैं बट वहाँ पे वो उससे भी उतना ही कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम शायद कभी कभी कम आंकते हैं कुछ चीज़ों को बट बिग बॉस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म और मेरा देखने का नजरिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ एक्चुअली स्केरी ऑल्सो पहले जब मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी आई है कभी तो तब मैं रेडी नहीं थी अभी भी मुझे पता नहीं बट वो थोड़ा सा फ़न है ये तो आपने का इस बार मैं मैंने शो नहीं लिया था तो मैंने थोड़ा बहुत देखा है और एक न, कहते हैं बहुत सारे शोज़ ना आपको पहले बोलते थे ना कि कुछ शोज़ आपको सारे परिवार को साथ में बिठा के ऐसे इक्वल बना देता है कि सब बैठ के कोई चीज़ देख रहे हैं मैं अपनी फ्लैटमेट के साथ रहती हूँ तो डेफिनेटली मैं और वो बैठ के हम वेट करते थे कि हम लाइव देखेंगे तो मैंने देखा इस okay, तो है इस बार क्या कहना चाहिए बहुत इंटरेस्टिंग uh, था एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं देख पाई हूँ मेरे घर पे मेरे पापा ये शो नहीं देखते उनके रूम में नहीं लगता है वो बोलते हैं सब लड़ते रहते हैं पर वो वो अपने रूम में मतलब उनके रूम में नहीं लगता तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सच कि काफ़ी लोगों के घर पर होता होगा हम दूसरे रूम में जाके देखते थे तो इस शो में मुझे इस बार आई थिंक अभिषेक अंकिता और मुनवर शायद टॉप थ्री में हो सकते बट एक्चुअली बहुत बहुत कन्फ्यूजिंग है कि इस बार कौन जीतेगा इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग वेरी कन्फ्यूजिंग अच्छा वो वाला एपिसोड देखा नहीं मैंने बट मैं आपको ये बोलूँगी कि पता है क्या है, है यहाँ पे ना जैसे टेलीविजन में हर थर्सडे के बाद कहानी बदल जाती है यहाँ पे भी आप देखोगे हर एपिसोड में या दो एपिसोड के बाद सिचुएशन बदल जाती है आप एक एपिसोड में किसी को लाइक करते हो और आप उसका फुल सपोर्ट करते हो कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है इसने बिल्कुल सही का साथ दिया है आप अगले एपिसोड में देखते हो कि वो बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रहा है तो यहाँ के रिलेशन्स भी वैसे ही हैं क्योंकि कभी हम जब बात करते हैं हम सब बोलते हैं कि हम बाहर बैठ के ऐसे सोचते हैं कि यार हम तो बिल्कुल भगवानों की तरह अंदर बिहेव करेंगे अगर हम वहाँ जाएंगे पर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है एक रियल लाइफ है अंदर जब बहुत छोटी थी और बहुत छोटी थी तब से थोड़ा बहुत ये शो देखती थी चुपचाप से पापा से छुप के तब से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ना वो एक असली दुनिया ही है अंदर और हमेशा मुझे लगा है ये और आज भी मैं बिलीव करती हूँ चाहे कोई कुछ भी बोले कि जो अच्छा इंसान होता है ना और जो रियल होता है वो ही जीतता है और मैं हमेशा इस चीज़ पे रही हूँ कि वहाँ पे कुछ फ़ेक नहीं होगा यार फेक ना आप कुछ दिन तक कर सकते हो उसके बाद नहीं कर सकते बट सिचुएशंस वही है शायद अभी दोस्त बन जाएंगे ऐसे रियल लाइफ में भी होता है ना यार आपका झगड़ा हो जाता है फिर कुछ दिन के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि शिट्या शायद अच्छा ही तो है बात कर लेते हैं तो वही हो रहा है वहाँ पर भी की क्या के का <laughs> क्या uh, मैं वही बोल रही हूँ ना कि सिचुएशंस की बात होती है कि आपको किसी सिचुएशन में जैसे आज मैं कुछ कर दूंगी जिसमें आपको लगेगा कि शिवया सही थी तो आप लोग मेरा साथ दोगे मैं कल कुछ उल्टा कर दूँगी तो आप लोग भी मेरे अगेंस्ट हो जाओगे तो वैसा ही हुआ है कि अभिषेक एक टाइम पे वो जिसके लिए वो वापस भी आया था सपने सपोर्ट किया था क्योंकि uh, सबको लगा कि उसके साथ गलत हुआ है बट uh, mm, मतलब वही है कि ये जो डायनामिक्स हैं हमारे चेंज होते रहते हैं अभी आई फील कि इतना इतना टफ कॉम्पिटिशन है यार इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन जीतेगा serials on sets to personal interviews and fun segments with actors subscribe to telebytes right away